नमस्कार, आप देख रहे हैं सांगो न्यूज। मैं हूं रवि राठौर। मंगलवार को मैनचेस्टर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट विश्व कप 2019 का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला यह तय करेगा कि 14 जुलाई को लॉर्ड्स में होने वाले फाइनल मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड में से कौन सी एक टीम जाएगी। ऐसे में ब्रिटेन मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार को मैनचेस्टर में आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ ही बारिश भी हो सकती है। ऐसे में अगर बारिश होती है और मैच की एक भी गेंद नहीं फेंकी जाती तो मैच स्थगित होने की संभावना है। आपको पता ही होगा कि इससे पहले इन दोनों टीमों का मैच बारिश के कारण रद्द हो चुका है। उस मैच में दोनों टीमों को एक एक अंक बराबर बांट दिया गया था, लेकिन अब बात सेमीफाइनल की है और अगर इस मुकाबले में बारिश होती है तो ऐसे बड़े मैचों के लिए ICC एक और दिन आरक्षित रखता है। लेकिन यहाँ एक और संभावना है। ब्रिटेन के मौसम विभाग ने 10 जुलाई अर्थात मंगलवार को मैनचेस्टर में और भी ज़्यादा बारिश की चेतावनी दी है। ऐसी स्थिति में अगर 10 जुलाई को भी भारत और न्यूजीलैंड का मैच नहीं हो पाता तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि भारत 15 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है और 11 पॉइंट्स के साथ न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर, ऐसे में भारत बिना मैच की एक भी गेंद खेले सीधे फाइनल में प्रवेश कर सकता है। अब देखना यह होगा कि कल मैच हो पाता है या नहीं। इसी प्रकार की अन्य खबरें सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें सांगो न्यूज़ का YouTube चैनल। साथ ही ऐसी तमाम खबरें सबसे पहले पढ़ने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से सांगो न्यूज़ की ऐप। साथ ही आप Facebook पर सांगो न्यूज़ का पेज जरूर लाइक करें। धन्यवाद।